क्लास फर्स्ट हिंदी। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंक की मात्रा। अंक की मात्रा बिंदु के रूप में लगाई जाती है। यह हमेशा वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। इसका उच्चारण होता है अन अन। हम जब किसी भी वर्ण में मात्रा को लगाते हैं तो उसका उच्चारण होता है अन। जैसे क धन, अन की मात्रा बना कन। र धन, अन की मात्रा तो बना हमारा रन। ग धन, अन की मात्रा गन। ब धन, अन की मात्रा बन। इसी तरह प धन, अन की मात्रा पन। च धन, अन की मात्रा चन। म धन, अन की मात्रा मन। ल धन, अन की मात्रा लन। अब हम कुछ अंक की मात्रा के शब्द देखते हैं। पहला है हमारा प धन, त धन, अंक की मात्रा धन। ग पतंग, यहाँ पे हमें कौन सा शब्द सुनाई दे रहा है? त के बाद में अंग, पतंग। यह है हमारी घंटी। घंटी को कहाँ लगाते हैं आप? मंदिर में। घ धन, अंक की मात्रा धन। टी, क्या बना हमारा? घन टी, घंटी। अगला शब्द है हमारा अ धन, अंक की मात्रा धन। गु धन, र अंगूर, क्या बना? अंगूर, अंगूर। अगला है हमारा ब धन, अंक की मात्रा धन। द धन, र, जब इसे एक साथ मिलाया तो क्या बना हमारा? बंदर। हमें अंक का उच्चारण कहाँ सुनाई दे रहा है? ब में। बन दर, बन दर। अब अगला शब्द देखते हैं हम। अगला चित्र है हमारा कंघा। क धन, अंक की मात्रा धन। घा कंग, घा कंग, घा। अब हम कुछ अंक की मात्रा के शब्द को पढ़ते हैं। आपकी किताब का पेज नंबर 43। ढ अंक की मात्रा ग, ढंग। स अंक की मात्रा क, संग। च अंक की मात्रा क, चंग। श अंक की मात्रा का, शंका। यहाँ हमारा हर जिस भी शब्द में हम अंक की मात्रा लगा रहे हैं उसका उच्चारण हो रहा है अंग से, शंका। ह अंक की मात्रा स, हंस। अ अंक की मात्रा ग, अंग। ज अंक की मात्रा ग, जंग। इसी तरह श, श में अंक की मात्रा शंख, ख, शंख। प अंक की मात्रा पंख, ख, पंख। द अंक की मात्रा दंग, ग, दंग। भ अंक की मात्रा भंग, ग, भंग। सा र, अंक की मात्रा र,
ग सारंग, ज जमय अंक की मात्रा जंग, ग ल जंगल, अ न नमय अंक की मात्रा नंग, ग अनंग, भू ज जमय अंक की मात्रा जंग, ग भुजंग, त र रमय अंक की मात्रा रंग, ग तरंग, अ प पमय अंक की मात्रा पंग, ग अपंग, उ म ममय अंक की मात्रा मंग, ग उमंग, म त तमय अंक की मात्रा तंग, ग मतंग, श शमय अंक की मात्रा शंग, क र शंकर, म ममय अंक की मात्रा मंग, ग ल मंगल, अ अमय अंक की मात्रा अंग, गु र अंगूर, द ब बमय अंक की मात्रा बंग, ग दबंग, ब द र रमय अंक की मात्रा रंग, ग बदरंग, ब बमय अंक की मात्रा बंग, गा ल बंगाल, स समय अंक की मात्रा संग, ग म संगम। यह प्रश्न ए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर वर्ण है, वर्णों को जोड़ना है और शब्द बनाना है। यह है आपका गृह कार्य। म धन अंक की मात्रा, ये मात्रा अंक की मात्रा जिस भी शब्द के पीछे लगी होगी आपको अंक की मात्रा उसी शब्द के ऊपर लगाना है। सब म धन अंक की मात्रा, धन द धन छोटे ई की मात्रा, धन र मंदिर, प धन अंक की मात्रा, धन ख धन आंख की मात्रा पंखा, इसी तरह क धन अंक की मात्रा, धन च धन न कंचन। ये सारे शब्दों को आपको पढ़ना है और इनको जोड़कर शब्द बनाना है। अगला है आपका चित्रों की सहायता से वाक्यों को पूरा करिए। यहाँ पर चित्र है, आपको चित्र नहीं बनाना है, आपको चित्र को देखकर ये किसका चित्र है वह लिखना है। जैसे चंदन डैश बजा, अब चंदन क्या बजा, ये चित्र काय का है हमारा शंख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शंख, चंदन शंख बजा। इसी तरह ये क्या है बंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे बंदर पेड़ पर है। नंबर दो ये है हंस, तो हम यहाँ लिखेंगे हंस का रंग सफेद है। और अगला वाक्य मयंक पतंग उड़ाओ, आपको चित्र देखना है और चित्र का शब्द लिखना है। इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा चित्र पहचान कर शब्द पूरा करिए। आपको चित्र देखना है और शब्द को पूरा करना है। यहाँ पर है झ और डा झड़ा, अब ये आप क्या है झंडा, इसलिए हम इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे अंक की मात्रा, तो आपको ये देखना है कि अंक की मात्रा कौन से शब्द पर लगेगी। झंडा, तो यहाँ पर कहाँ लगेगी अंक की मात्रा झ के ऊपर, झंडा। इसी तरह पंख, यहाँ आपको मात्रा भी लगानी है और शब्द भी वर्ण भी लिखना है। पंख तंदूर बंदूक तिरंगा और ये है पलंग। ये तीनों प्रश्न आपको गृह कार्य में आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है।
अगले वीडियो में हम इस अंक की मात्रा का पाठ पढ़ेंगे और उसके अभ्यास को करेंगे। धन्यवाद।